घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना किसको पसंद नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें बहुत सारे मार्केट से ऑर्गेनाइजर खरीदने पड़ते हैं और खूब सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि घर के कुछ बेकार सामानों से ही हम अपने घर को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और साथ में घर को सुंदर और क्लीन भी बना के रख सकते हैं। सो फ्रेंड, बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हमेशा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदें। घर में बहुत सारा सामान ऐसा निकल आता है जिनको हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहला आइडिया है यहाँ पे कुकी बॉक्स का। आपके घर में भी इस तरह के कुकी बॉक्सेस आते होंगे। आप कुकीज़ तो रख लेते होंगे कंटेनर में, लेकिन उसके कुकी बॉक्स को एकदम से डस्टबिन में डाल देते होंगे। बट आज से ऐसा नहीं करना है। इस तरह के जो कुकी बॉक्सेस हैं बहुत ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं। और आज मैं यहाँ पे काउंटर टॉप की क्लीनिंग कर रही थी, तो जब भी क्लीनिंग करनी होती है, जो ये कंटेनर्स इनके अंदर हम स्पून और नाइफ वगैरह रखते हैं, तो उनको हटा के हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो इसकी जगह पर आप यहाँ पे कुकी बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला जो स्टील वाला कंटेनर है जिसके अंदर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें रखती थी, तो इसके अंदर जंग लग गया है। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है अब। और मेरी किचन में ये ब्राउन वाला कंटेनर पहले से मैं यूज़ कर रही थी। एक वाइट कलर का और कंटेनर मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसमें मैंने नाइफ रख दी है, एक में स्पून रख दिया है। तो जब भी मुझे क्लीन करना होगा तो यहाँ पे जो ये कुकी बॉक्स मैंने लगाया है उसको मैं पुल करूँगी और इजीली मेरा काउंटर टॉप क्लीन हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा नाइफ्स और स्पून मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। और चीज़ों को सेग्रीगेट रखने से चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और सुंदर भी दिखाई देती हैं। तो इस तरह से आप भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं अपने किचन को। आई होप ये वाला आइडिया आप यूज़ करते होंगे, तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया क्या मैं यूज़ करने वाली हूँ। आज मुझे काउंटर टॉप की क्लीनिंग करनी थी, तो कोई ना कोई हिस्सा मैं किचन का ऐसा चुन लेती हूँ जिससे मुझे ऑर्गेनाइज करना होता है। सारी किचन का एक साथ काम ना करें तो आप छोटी छोटी शेल्फ को ऑर्गेनाइज करके रखिए। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा सामान हो जाता है ड्रॉर्स में। हम रैंडमली चीज़ें इसके अंदर डालते चले जाते हैं। नाइफ वगैरह इसके अंदर रखते हैं तो कभी वो हमारे हाथों में चुभ भी सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं, जैसे यहाँ पे विस्कर है, वो किसी भी किसी चीज़ के अंदर लिपट जाता है तो सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो सबसे पहले इस ड्रॉर को पूरा खाली करूंगी और सब चीज़ों को सेग्रीगेट करूंगी, और जो भी हमारा सामान है डीक्लटर करने वाला उसको डीक्लटर करूंगी। और मोस्टली हमारी किचन में इस तरह की ड्रॉर दी जाती हैं जिसमें ज़्यादा पार्टीशन नहीं होते हैं, तो चीज़ों को सेग्रीगेट रखना बहुत मुश्किल होता है। और इस ड्रॉर के एक पार्टीशन में मैंने यहाँ पे लाइनर की जगह पे यूज़ कर रखा था। जो हमारे शॉपिंग बैग आते हैं पेपर वाले, वो उसको कट करके मैंने लगा दिया था। तो नेक्स्ट टाइम इस तरह से जब आप लाइनर लगाएंगे तो आपको ड्रॉर क्लीन करना ज़्यादा ईजी रहेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख ही सकते हैं जो मेरी ड्रॉर है ज़्यादा गंदी नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिश लिक्विड डाला है और उसे थोड़ा सा मैंने साफ़ किया और मेरी ड्रॉर क्लीन हो गई। बस अब इनके अंदर मैं यहाँ पे लाइनर की जगह यूज़ करूँगी। यहाँ पे पुराने जो शादी वाले कार्ड होते हैं, हम लोग शादियों में तो चले जाते हैं, उसके बाद इन कार्डों को इधर उधर रख देते हैं, ना ही फेंके जाते हैं। तो इसको इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसको मैंने कट कर लिया है अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड ब्रेड्थ। और इसकी जगह पर आप शॉपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शॉपिंग बैग भी मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था, तो इसके भी मैंने यहाँ पे हैंडल्स निकाल लिए और इसको कट करके इनके ड्रॉर्स के अंदर सेट कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिना किसी खर्चे के हमारे लाइनर तैयार हो गए हैं। बस अब इसको सेग्रीगेट करने के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ कुकी बॉक्सेस का। और इस ड्रॉर में मैंने दो कुकी बॉक्सेस लगा दिए हैं और अच्छे से सेट हो गए हैं दोनों इसके अंदर। बस अब इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक और पेपर बिछा दिया है, अगर चाहें तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और इस तरह से इसमें टू कंपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, तो आप चीज़ों को सेग्रीगेट करके अच्छी तरह से रख सकते हैं। जो लंबी लंबी स्पैचुला हैं वो मैंने दोनों साइड्स पे रखी हैं। और जो इस तरह के आइटम हैं जो एक दूसरी चीज़ों में फंसते हैं, तो उनको बिल्कुल अलग करके रखना चाहिए ताकि वो दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब ना कर सकें। और जो चाय छन्नियाँ होती हैं उनकी सुबह सुबह बहुत ज़रूरत होती है। अगर उन्हें सारे सामानों के साथ रखते हैं तो सुबह सुबह वो बिल्कुल भी मिलती नहीं है। तो इनको भी मैंने एक सेपरेट कुकी बॉक्स में रख दिया है। इस तरह से चीज़ें डिवाइड हो गई हैं और नेक्स्ट टाइम जब हमें इस ड्रॉर को खोलेंगे तो हमारी चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। इस तरह के कलर बॉक्सेस तो आपके घर में निकलते ही रहते होंगे क्योंकि बच्चे क्राफ्ट वगैरह करते रहते हैं, कलर फिनिश हो जाते हैं। तो इस डब्बे को फेंकने से पहले इस तरह से यूज़ करिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह के प्लास्टिक के फॉक्स और चम्मच आपके घर में होते ही होंगे। इन फॉक्स और स्पून्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से हमारी जो ड्रॉर है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। अगर आप भी विम सोप यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, तो इस तरह के डब्बे आपके घर में काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं। नहीं इकट्ठे हुए हैं तो आपसे इकट्ठा करना शुरू कर दीजिएगा।
क्योंकि ये वाले विम बॉक्सेस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं डिश लिक्विड डाल के अपने बर्तन धोने के लिए। और इसके ऊपर लिड होती है, तो अगर आपके घर में जैसे कॉकरोच या मक्खी मच्छर भी होते हैं, तो अगर हम उसे खुला छोड़ देते हैं कंटेनर को जिसमें हमने डिश लिक्विड रखा होता है, तो उसमें मक्खी मच्छर जाने की वजह से वो काफ़ी अनहाइजीनिक हो सकता है। तो इसके ऊपर लिड है, तो आप जब भी बर्तन धो के अपना काम फिनिश करें तो इसके अंदर सारे जो स्क्रबर वगैरह है वो धो के अच्छे से रख सकते हैं। इससे आपका सिंक एरिया बिल्कुल क्लीन रहेगा और आपके स्क्रबर भी क्लीन रहेंगे। आई होप आप भी ये वाला आइडिया यूज़ करते होंगे। दूसरे वाले विम बॉक्स का क्या यूज़ करती हूँ अभी वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी हैबिट है जब भी मैं अपने बर्तन वगैरह क्लीन करके हटती हूँ तो एक बार अपने सिंक को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा वाइपर है जिससे मैं अपने सिंक को क्लीन करती हूँ, तो वो जब मैं इसे यहाँ रखती हूँ तो ये बार बार गिरता रहता है और काफ़ी स्पेस भी कवर करता है। तो इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ निकाला, जो कोल्ड ड्रिंक की कैन होती है उसके ऊपर ये इस तरह का ढक्कन लगा होता है, तो इसको निकाल के हम जनरली फेंक ही देते हैं और कैन भी फेंक ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप लगा दी थी डोर पर, और इसके लिए आप अच्छी वाली टेप का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वाली टेप थी डबल साइडेड, ये काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा वेट ये कैरी कर सकती है। इसके अंदर मैंने छोटी सी एक रस्सी बांधी क्योंकि इसके अंदर एक छेद दिया होता है टांगने के लिए, तो बस इसके ऊपर मैंने इसको हैंग कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे दरवाज़ा खोल रही हूँ, बंद कर रही हूँ। और अब ये मेरा छोटा सा वाइपर जो इधर उधर पड़ा फिरता रहता था, मुझे डिस्टर्ब भी करता था, अभी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर कमांड हुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो और मेरा ये जीरो कॉस्ट आइडिया और जुगाड़ वाला आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पे जो ये खाली बॉक्स और पड़ा था विम का, उसका मैं क्या करने वाली हूँ। हमारे ड्रेसिंग टेबल में बहुत सारी बिंदी वगैरह होती हैं, बहुत सारा कॉस्मेटिक्स का सामान होता है, तो उसको अरेंज करने के लिए भी आप इस तरह के विम बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास काफ़ी तरह की बिंदियां हो जाती हैं, कुछ पत्ते जो बिंदी के होते हैं वो लंबे होते हैं, कुछ इस तरह की शेप के होते हैं, तो इस वाले बॉक्स में ये जो बिंदी के पत्ते हैं जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ वो अच्छे से ऑर्गेनाइज होके आ गए हैं। अब हमने इसमें बिंदियां तो रख ली हैं, लेकिन ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर विम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस बॉक्स को थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं इस पेपर का। इस तरह के डिज़ाइनर पेपर आपको मार्केट में अच्छे से मिल जाएंगे। और मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था कि मेरी बेटी का एक प्रोजेक्ट बनाया था तो उसके लिए मैं लेकर आई थी, तो मैंने संभाल के रख दिया था। बस इसको कट करके इसके चारों तरफ मैं अच्छे से इसको चिपका लूँगी और इसको कवर कर दूँगी। और फ्रेंड्स, ये वाला जो पेपर था थोड़ा थिक था, अगर आप थोड़ा सा पतला वाला पेपर यूज़ करेंगे या फिर डेकोपाज पेपर यूज़ करेंगे तो आपका जो ये बॉक्स है अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो मैंने इसमें अंदर के साइड पर भी एक थोड़ा सा पेपर लगाऊँगी ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा दिखाई दे। तो देखिए, इसकी आउटर साइड तो मैंने अच्छे से कवर कर ली है, लेकिन इसकी जो एजेस हैं उसको हम कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इसका ढक्कन लगेगा, और अगर हम इसके ऊपर पेपर लगा भी देते हैं तो वो फट ही जाएगा। अगर आप पेपर ना लगाना चाहें तो आप इसके ऊपर कोई भी पेंट कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर या फिर मनचाहा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे ईजिएस्ट मेथड यही है कि आप कोई भी कलरफुल पेपर लीजिए, उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए और आपकी जो DIY है बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो मैंने इसको फिर अंदर की साइड पे भी एक पेपर चिपका लिया, और जब मेरा फेस पाउडर ख़त्म हो जाता है तो मैं इस तरह से निकाल के रख लेती हूँ इस तरह के मिरर को। मुझे बहुत ही क्यूट लगते हैं, मैं सोचती हूँ इससे कोई DIY ज़रूर बना लूँगी। तो आज मेरा ये जो मिरर है यूज़ हो गया है। अंदर की साइड मैंने इस बॉक्स की लिड के ऊपर इसको डबल साइडेड टेप से चिपका दिया था, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको देख कर कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता कि हमारा विम का खाली डब्बा है। आई एम वेरी श्योर फ्रेंड्स, ये आइडिया आपको ज़रूर से पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और इस तरह से डेकोरेट करके आप कभी ट्रेवल में जाएं तो आप छोटे से बिंदियाँ वगैरह या फिर अपना कॉस्मेटिक्स का सामान भी ले जा सकते हैं, और ट्रेवल के टाइम पे जब आपको थोड़ा सा टचअप करना हो तो इस तरह का बॉक्स आपके बहुत ही काम आने वाला है। और इसके अलावा आप अगर किसी को प्रेजेंट देना हो तो इस तरह का बॉक्स भी यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के यूजफुल आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।